आज दिल्ली सीएम आवास के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के पीए ने बदसलूकी की, हालांकि स्वाति ने कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। आम आदमी पार्टी भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि स्वाति के साथ अभद्रता हुई, एक्शन की भी बात कही गई है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को अब छोड़ने वाली नहीं है। शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं सीएम आवास के बाहर, बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल है। सभी बहनों से अनुरोध है, DCW की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल, और अब ऐसे में DCW की जो टेम्पू के पीछे प्लाकार्ड रखे हैं और झंडे रखे मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आई हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति मालीवाल को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता की गई है उसकी जाँच होनी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। टेम्पू के पीछे प्लेकार्ड रखे हुए हैं, सभी अपने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए और झंडे भी रखे हुए हैं, झंडे और प्ले कार्ड। अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बताया जा रहा है इन प्ले कार्ड में। ये प्ले कार्ड दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता उठाए हुए हैं, ज्यादातर महिला कार्यकर्ता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, और सीएम आवास के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास पर, देखिए बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन ये चल रहा है। बसुली की केस को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनमोल, भले अब ये मान लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन उन्होंने ना अभी अपने कोई FIR लिखित तौर पर दी है, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर अब सड़कों पर निकलकर विरोध कर रही है। अर्पिता, ये तो उसी दिन देखा गया था कि जब स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को बर्खास्त करती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से फोन किया जाता है, उसी दिन देखा गया कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आक्रामक रुख अपना लेते हैं, चाहे मनिंदर सरकार हो, कपिल मिश्रा हो, और जो बड़े नेता है इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं। इसी बीच कि यहाँ चंगी राम अखाड़ा पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर महिलाओं का दिमाग है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो निवास है सिविल लाइंस पर, जहां ये घटना घटी है, जिसके बाद देखा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बाहर आते हैं, इस पर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि वैभव कुमार जिन पर बड़े आरोप लगाए हैं स्वाति मालीवाल ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इस मामले पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है आक्रामक हो गए। एक कार्यकर्ता से बात करेंगे, तो क्या है महिलाओं के मन में बहुत ही रोष है केजरीवाल जी के लिए, जो उनके पीए ने स्वाति मालीवाल जी के साथ किया है, उसके विरोध में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज सड़कों पर उतर आई है, और इसके बाद हम केजरीवाल जी का जो राजमहल है उसकी तरफ हम सब जाएंगे। तो साफ तौर पर अर्पिता आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने अपने हाथ में तख्तियां पड़ रखी हैं कि महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल, शर्म करो, और साफ तौर पर नारेबाजी भी की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अनमोल, जो महिलाओं का मार्च है दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और दिल्ली को इंचार्ज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी तक स्वाति मालीवाल की ओर से कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई है, क्या वो किसी दबाव में है, FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? आज क्यों उपस्थित हुए हैं हम यहाँ पर? इस मामले में देखा गया था कि जब जाती है उसके बाद देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के साथ कंप्लेंट नहीं करती, इतनी सारी मीडिया भी हो, पुलिस भी हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश है, पर वो किसी से अभी बातचीत नहीं कर रही है। सम्मान दिल्ली राजधानी में नहीं हो रहा है, ऊपर का वक्त बीत जाता है, आम आदमी पार्टी जो है इस मामले पर चुप्पी साधी रखती है, पर वही फिर संजय सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर बातचीत रखते हैं, पर वही दूसरी तरफ जो बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी आक्रामक हो चुकी है, चाहे वो ठीक है। अनमोल, और ये बीजेपी जो है वो सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर।